हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की इस मॉर्निंग डोज की सीरीज में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो चलिए फटाफट उन क्वेश्चन को देखते हैं। बट उसके पहले मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए, हमारे चैनल पर क्या है कि सभी विषयों की मुफ्त क्लासेज आपके लिए अवेलेबल हैं। तो जो लोग नए हैं, मैं चाहूँगा दोस्तों आप प्लेलिस्ट पे आ जाया करिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से आकर के जिस भी विषय का आपको पढ़ना है उस विषय की पूरी जानकारी फ्री में ले सकते हैं। मतलब कि चैप्टर टू चैप्टर आपको पूरी की पूरी क्लास जो है वो पढ़ाई गई है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, और आज ही कल में हमारी जो है ये पीडीएफ भी लॉन्च हुई है। हम लोगों ने प्राचीन इतिहास को बहुत डिटेल में कवर किया था, बहुत बहुत डिटेल में, ठीक है। जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा कि प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने लगभग हर एक टॉपिक के ऊपर बात किया था। बौद्ध और जैन पर नहीं बात किया हूँ, ठीक है, वो मैं आपको स्पेशल नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हो। और जिस नोट से मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, उस नोट्स को ही मैं ये लॉन्च किया हूँ आप लोगों के सामने। तो ये ऊपर बार कोड है, ठीक है, इसको आप रीड करके डायरेक्ट हमारे वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप इसके माध्यम से इस बारकोड को रीड करके यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पे ये जो प्राचीन इतिहास की हमारी पीडीएफ है ये आपको अवेलेबल है। वेबसाइट का नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा www.study91.org। क्या नाम है दोस्तों? www.study91.org, ठीक है। तो इस वेबसाइट से जा करके आप लोग जो है पूरे के पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से परचेज करने का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं, जबकि वीडियोस जो हैं वो पूरी तरीके से फ्री हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर जो आपको बताया जा रहा है वो समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे दे रहा दोस्तों कि निम्नलिखित बादलों में से किसे तड़ित मेघ कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, निम्नलिखित बादलों में से किसे तड़ित मेघ कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार जो है आपके एग्जाम में आ चुका है। तो याद रखिए दोस्तों, कपासी वर्षी, किसको? कपासी वर्षी को दोस्तों तड़ित मेघ नाम दिया जाता है, क्योंकि कपासी मर्सी वर्षी जो मेघ होता है इसी के कारण दोस्तों क्या होता है आसमान, अरे तड़ित झंझा या तड़ित मेघ क्या है, मेघ ये क्या है, जब बिजली आता है तड़कता है आसमान में, ओला पड़ता है, मूसलाधार बारिश होती, उसी को बोलते हैं। तो कपासी वर्षा के माध्यम से बहुत ज्यादा बारिश होती, मूसलाधार बारिश होती है, आसमान एकदम कालापन काला छा जाता है, ठीक है, याद रखिए। और बहुत लंबे समय तक ये बारिश होती रहती है, ठीक है, इसीलिए ये कपासी वर्षा जो है इसका नाम रखा गया, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो याद रखिए 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। आगे देखिए, सूची एक को सूची दो से आपको सुमेलित करना, बहुत सिंपल है, सुमेलित करना, बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये जनजातियों के नाम दे रहे हैं, ठीक है। पिग्मी लोग कहाँ निवास करते हैं? तो कांगो बेसिन में ही निवास करते हैं, ठीक है। और सोमेयत कहाँ निवासी करते हैं? तो ये साइबेरिया के हैं। मसाई जो हैं केन्या के हैं, और सेमांग जो हैं ये मलेशिया के निवासियों को कहा जाता है, ठीक है। जैसे रेड इंडियन हैं कहाँ के? वो आपके उत्तरी अमेरिका के हैं, ठीक है। उसी तरह से पिग्मी कहाँ के हैं? तो कांगो बेसिन अफ्रीका के, ठीक है। आगे है सेमोयत साइबेरिया के, मसाई केन्या के, और सीमांग कहाँ के? मलेशिया के। दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा हूँ कि जिस तरह से सुमेलित करने वाला प्रश्न आता है इसको आप लोग नोट करके अपने कमरे की दीवारों पर चिपका लीजिए, केवल सुमेलित करने वाला, सभी क्वेश्चन को नहीं, ठीक है। और उसको दिन भर में एक दो बार जरूर देखा करिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब कभी भी एग्जाम में आएंगे ना तो आपके साथ जो है अच्छा नंबर आपको दे जाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन का उत्तर सब लोग नहीं दे पाते हैं। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग का गठन कब किया था? बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा, भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग का गठन कब किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखे दोस्तों, इसका गठन हुआ था 1980 में। पर्यावरण विभाग का गठन कब हुआ था? 1980 में। गलती मत करिएगा, विभाग पूछ रहा है हमसे, ठीक है, हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि इसका मंत्रालय कब बना था। देखिए 1985 में अलग से मंत्रालय बनाया गया, ठीक है, जबकि विभाग कब से बना है? 1980 में। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से निकलती हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, नर्मदा और सोन, ये दो नदियां हैं जो कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से निकलती हैं। आगे सूची एक को सूची दो से सुमेलित के दिए राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है और राज्य बता रहा है, ठीक है। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बताइए फटाफट, राजा जी कहाँ पर है? ये आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। कान्हा किसली कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। दच्छीग्राम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर का है। दुधवा जो है कहाँ का है? ये आपका उत्तर प्रदेश का है। तो बाकी आप जो है आंसर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर भी मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, स्टैटिक जीके में जाके आप लोग देख सकते हैं।
अबू झमाड़ कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है, तो याद रखिए बस्तर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहीं पर स्थित है अबू झमाड़, याद रहेगा आपको, बस्तर छत्तीसगढ़ में, वहाँ का एक पठारी प्रदेश है, ठीक है, और यहीं से जो है उत्तरी की पठारी स्टार्ट होती है, तो याद रखिए इसी के मध्य में अबू झमाड़ जो है ये एक पहाड़ी प्रदेश है, ठीक है, वो आता है, और इसी के आसपास में आपको बीजापुर मिल जाएगा, बीजापुर का पठार मिल जाएगा और जगदलपुर का पठार मिल जाएगा, ये सब जो है इसी के आसपास में है, तो छत्तीसगढ़ विशेषकर याद रखिए और बस्तर आप याद रखिए। भारत में जादूगोड़ा नामक यूरेनियम की सबसे बड़ी खादान कहाँ पर स्थित है, तो ये झारखंड में, ठीक है, यूरेनियम की सबसे बड़ी खादान जादूगोड़ा में, जादूगोड़ा जो स्थान है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको सुमेलित करने के लिए दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, आइए फटाफट करते हैं। अंबरनाथ, ज्वालापुर, रामागुंडगम और नेवेली, ठीक है, तो ये आई थिंक जो है विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी, तो इसमें से नेवेली सबसे फेमस है, ठीक है, नेवेली कहाँ पर दोस्तों, तो ये तमिलनाडु में, ये ज़्यादातर तो लोगों को पता है, एक नेवेली पता होता है, एक महाराष्ट्र वाला पता होता है, ठीक है, महाराष्ट्र बताइए महाराष्ट्र में कौन सा है, अंबरनाथ, अंबरनाथ कहाँ पर दोस्तों, ये महाराष्ट्र में, ठीक है, और ज्वालापुर दोस्तों कहाँ पर, ये उत्तराखंड में है, और जो यहाँ पर सी हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश, रामागुंडम, तो नाम से भी लग रहा है कि दक्षिण भारतीय है, तो याद रखिएगा रामागुंडम जो है ये आंध्र प्रदेश, इसको याद कर लीजिए। फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी सुमेलित करने वाले हैं दोस्तों इनको प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, देखिए आपके भले के लिए मैं कह रहा हूँ, आपके भले के लिए कह रहा हूँ, कल को जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जब आप सही कर लोगे ना तब आपको लगेगा कि वाकई हमने ऐसा क्वेश्चन सही किया। जैसे अभी अभी देखो आपसे पूछ दे कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, बता दोगे बुध, तो तीर थोड़े मार दिए बता के, ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो हर कोई बता देगा। तो यार देखो आसान क्वेश्चन को अगर आप बता ले जा रहे हो तो उसमें आपको जो है बाबाई लूटने की जरूरत नहीं है, जो है मैं देखिए मुंह पे बोलता हूँ, आपको ऐसे क्वेश्चन पे मजबूती लानी है जो कठिन क्वेश्चन है जो लोग नहीं सही कर पाते हैं वो आपको सही करना है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद मुझे काम करना पड़ेगा ना, कम से कम 100-150 इसी तरह का क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है, चलिए संडे को लाता हूँ, संडे को लाता हूँ, एकदम मतलब एकदम आप लोग मजा आ जाए पढ़ के। संडे को जो है मैं एक सीरीज लेके आता हूँ, उसमें केवल जो है यही वाले क्वेश्चन लाके दे देता हूँ, ठीक है, और एक बार फिर से जो पढ़े हो वो रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है, चलिए सेट कर लोगे ना आप आगे। चलो फिर से दे दिया मान लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, जितना दे दे उतना मजा लेना चाहिए, यहाँ पे क्या हमारा फायदा है, एक में चार क्वेश्चन आ गया, सापेक्षिक आर्द्रता वाई पूछ रहा है कैसे मापा जाता है यार, तो मैंने आपको बताया था आर्द्रता यहाँ पे द्रव की मात्रा है तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है, आर्द्रता कैसे मापोगा, हाइग्रोमीटर से, वाई दाब हो गया बैरोमीटर से, वाई की गति हो गया दोस्तों किससे हो गया आपका एनिमोमीटर से, वृष्टि हो गया आपका रेन गेज से, ये होगा ना, बस हो गया आपका आंसर आ गया, तो आप मिला करके देख लीजिएगा। ये भी मैं आपको अभी देखिए फिजिक्स वाले में पढ़ाया था आपको, अब जो लोग रेगुलर क्लास लेते हैं वो ज़्यादातर सही कर जाएंगे, जो रेगुलर क्लास नहीं लेते हैं ठीक है वो तो नहीं कर पाएंगे, तो आज भी समय है आपके पास, आप लोग फटाफट जो है घर बैठे प्लेलिस्ट खोलिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, शायद अगर आप पैसे देते ना तो भी आपको नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ ईमानदारी से और देश के भविष्य के लिए आपके भविष्य के बारे में सोच करके सारी क्लासें आपको फ्री दी जा रही हैं, ठीक है, किसी को गरज नहीं पड़ी है फ्री में क्लास देने की, ठीक है, लेकिन हर किसी का जो है सोच अलग होता है, उद्देश्य अलग होता है, तो मेरा अपना सोच, मेरा अपना उद्देश्य ये थोड़ा सा अलग है, इस वजह से मैं देता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, ये मैं अपने मन से करता हूँ। आगे देखिए, अधिक लवणता पाई जाती, सबसे अधिक लवणता कहाँ पर है, तो टर्की का जो है लेन वाक और लेक वान झील, वान झील है, ठीक है, लेक वान उल्टा लिख दिया, वान झील बहुत फेमस है, आपके टंग पे हो भी होगा, ठीक है, टर्की का वान झील, तो वान झील, अब उसी को उल्टा लिख दिया लेक वान, तो घबराने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है, ठीक है, सी वाला ही। आगे निम्नलिखित में से कौन सी धारा जिसकी उत्पत्ति अत्यधिक गहराइयों से जल के उद्वेलन से होती है विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती है, अब देखिए एक सेकेंड, अत्यधिक गहराई से बोल रहा है और विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री लाइन की ओर जाएगी, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, वेनेजुएला कर लीजिए, वेनेजुएला ये ठंडी जलधारा है, मैं आपको बताया था वेनेजुएला की धारा ठंडी जलधारा है, वेनेजुएला की धारा ठंडी जलधारा है, क्यूरेसियो की जलधारा गर्म जलधारा है, मैंने बताया था क्यों रो रहे हो, तो पता चला गर्मी लग रहा है इसलिए रो रहा है, ठीक है, वेनेजुएला मैंने बताया था वहाँ जलप्रपात है तो ठंडी जलधारा उसी का नाम मिलता जुलता, वेनेजुएला वो भी ठंडी जलधारा, अगुलहास गर्म जलधारा और लेब्राडोर भी कैसी है ठंडी जलधारा है, ठीक है, तो ये बीच का ये सेकंड वाला और थर्ड वाला क्या है, ये आपका गर्म जलधारा है, और फर्स्ट वाला सॉरी सेकंड और फोर्थ गर्म है, और फर्स्ट और थर्ड जो है
ये आपका ठंडी है। तो फिलहाल मैं इसके ऊपर भी अच्छे से लेक्चर दिया हूँ, और जो लोग पढ़े होंगे वो लोग जो है ये बता लेंगे कम से कम कि धारा कैसी है। रही बात की कौन सी धारा किस तरफ बहती, तो मुझे तो पता है ठीक है, लेकिन हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, तो घबराने वाली बात नहीं दोस्तों। आगे हम लोग कवर करेंगे जियोग्राफी को, तो वहाँ मैं आपको सिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा, अभी के लिए याद कर लीजिए। चलिए फिर से आपको सूची मिलान करने के लिए दे दिया, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है, और दो पार्ट में यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग अनुसूची दिया और पूछ रहा है किस में कौन सा शामिल किया गया है ठीक है। तो आपको पता, भाषा तो सबको पता होगा, देखो यार कि भाषा जो है आठवीं में शामिल किया गया, ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो ज़्यादातर लोग जानते हैं ठीक है। दूसरी बात मैंने बताया था भूमि सुधार, भूमि सुधार किस में बताइए, भूमि सुधार ये आपका नौवें में है ठीक है, भूमि सुधार अधिनियम, तो नौ से नियम, नौ से नियम और किसका नियम, भूमि सुधार नियम, मैंने आपको बताया था, ये दो हो गया। और चतुर्थ और षष्ठम बात करना है, तो चतुर्थ जो है दोस्तों ये राज्यसभा के बारे में बताता है, और षष्ठम जो है ये AMTM वाला याद है ना ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताता है, तो इसको याद रखिएगा ठीक है। तो ये हो जाएगा, बाकी आप सेट कर लीजिएगा खुद से। यहाँ पर आगे संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता, तो लागू नहीं होता तो AMTM में लागू होता अनुसूची 6, अनुसूची 6 जो है ये देखिए ऊपर 5 दे, ऊपर जो है हाँ 6 दे रहा था, वही जनजाति वाला था, तो AMTM है यहाँ पर ठीक है। तो याद रखिए ये अरुणाचल मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, अरुणाचल मेघालय त्रिपुरा मिजोरम सॉरी असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, तो ये होता है। तो मणिपुर दोस्तों यहाँ पर जो है ये नहीं आएगा ठीक है, मणिपुर। आगे देखिए, आगे है हाँ, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन चुने, निम्न कथनों पर विचार करके आपको सही कथन चुनना है। चलिए देखते हैं, यह एक संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है। अच्छा, वित्त आयोग के बारे में बताया गया दोस्तों अनुच्छेद 280 में, और कह रहा है एक सांविधिक निकाय है, और आपको सिंपल ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। एक मिनट, एक दो ऑप्शन में तो नहीं दिया, चलिए ठीक है। सांविधिक देखिए, आगे देखिए, इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करता है, और इसका गठन राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष में करता है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, YV रेड्डी हैं ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, सही कथन चुनना है ठीक है, सही कथन चुनना है ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर जो है ये वाला होगा, राष्ट्रपति जो है हर 5 वर्ष के लिए जो है गठन करता है, याद रखिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे, निम्नलिखित में से कौन से राज्य 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं, ये आपको बताना है। अरुणाचल, असम और त्रिपुरा सॉरी मेघालय और नागालैंड, कौन से, अभी तो पीछे पूछा था नाम से, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता देते हैं ठीक है। AMTM में पूछ रहा है कौन से आते हैं, तो यहाँ पर 2 और 3 हो जाएगा, असम और मिजोरम ठीक है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ठीक है। तो याद रखिएगा ये 2 आ जाएंगे बीच वाले, तो यहाँ पे 2 और 3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपता है, तो पता होगा आपको उच्च न्यायालय का जो होगा राष्ट्रपति को सौंपेगा, राष्ट्रपति जो होता है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ये सारी चीज़ें याद रखिए, एक दूसरे के संबंधों को ध्यान दीजिएगा ठीक है। आगे, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है, तो याद रखिए दोस्तों न्यायपालिका का जो स्वरूप है भारत में वो एकीकृत है ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ही क्या है सबसे बड़ा है, और याद रखिएगा एकीकृत स्वरूप है, विकेंद्रीकृत और केंद्रीकृत के चक्कर मत पड़िएगा ठीक है, एकीकृत है ठीक है, राइट आंसर यही होगा। आगे, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसकी विचारार्थ आरक्षित किया जाता है, पता होगा आपको, बताइए किसके। अच्छा, कुछ लोग करेंगे यहाँ पे राज्यपाल, राज्य समझ करके विधानमंडल समझ करके राज्यपाल कर दिया, नहीं यार राज्यपाल मत करना ठीक है, सभी वित्त विधेयकों का, अगर वित्त विधेयक है तो वो किसके विचारार्थ रखा जाता है, राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के विचारार्थ ठीक है, तो ये करिएगा आप, राष्ट्रपति के विचारार्थ होगा यहाँ पे। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति की इच्छा पर अपने पद पर बनाए, तो जो उसके प्रसाद पर्यंत होता है, और प्रसाद पर्यंत कौन होता है, राज्यपाल होता है, प्रसाद पर्यंत कौन होता है, राज्यपाल होता है, तो ये सी वाला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष किसकी, किस समिति का पदहीन अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष, तो इसके पास एक ही होता है, उसका पूरा हेड होता है लोकसभा अध्यक्ष, कौन होता है ठीक है बताइए, नियम समिति, कौन सा उसका पदेन अध्यक्ष होता है ठीक है। बाकी यार एक चीज़ और कहे ना, लोक लेखा समिति भी मैंने पढ़ा था ठीक है, लोक लेखा समिति का भी अध्यक्ष होता है। अच्छा, इसको आप जो है एक बार बताइएगा, क्योंकि नियम समिति भी है और लोक लेखा, यहाँ पे दो दो ऑप्शन सही हो जाएगा ऐसे में तो। अच्छा, एक काम करिएगा, इसको जो है आप लोग हमको बताइएगा कमेंट करके कि क्या सही है ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, मूल कर्तव्य मतलब 36 से 51 में कौन सा नहीं आता है, चलिए देख के बताते हैं कौन सा 36 से 51 में नहीं आता है। लोक चुनाव में मतदान करना, तो यार मतदान करना कर्तव्य थोड़े होता है
ठीक है, तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उनके आदर्शों का सम्मान करना, ये जो है सभी सही है, बट ये पहला वाला गलत है, ठीक है। आगे देखिए, नीति निदेशक तत्वों में वर्णित अनुच्छेद 50 किसके पृथक्करण की बात की गई है? अनुच्छेद 50 में किसके पृथक्करण की बात की गई है, बताइए। कार्यपालिका और विधायिका, अनुच्छेद 50 वही 36-51 तक में है, और याद रखिए उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग, ठीक है, याद रखिएगा, इन दोनों में जो है शक्तियों का बंटवारा अलग अलग है, इसके लिए जो पूरा प्रावधान यहाँ पर है, हालांकि वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आता है, बट याद रखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। आगे बताइए, अब ये थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये आप जरा देख के बताइएगा सोच समझ के। पूछ रहा आपसे कि नबकलेवर महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिए दोस्तों, ये उड़ीसा का एक त्यौहार है, एक महोत्सव जो वहाँ पे मनाया जाता है पूरी उड़ीसा में, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। और जैसे कुंभ होता है ना 12 वर्ष के अंतराल पे होता है, ठीक है, उसी तरह से 12 वर्ष के अंतराल पे ये नबकलेश्वर मेला महोत्सव भी होता है पूरी में। आगे हार्नबिल ये बहुत आता है, ठीक है, और अभी हाल ही में हुआ भी था, तो नागालैंड में होता है और हर साल होता है दिसंबर माह में, ठीक है, ठंडी के समय, इस समय हो रहा होगा, ठीक है, हार्नबिल महोत्सव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निजी कंपनी द्वारा गोद लिया गया पहला ऐतिहासिक स्मारक कौन सा है? तो लाल किला, ठीक है, लाल किला को गोद लिया किसने? डालमिया ग्रुप ने, और इतना बड़ा बवाल हुआ आपने तो देखा ही, ठीक है, 25 करोड़ रुपए में हुआ था 5 वर्षों के लिए पूरा। तो एडॉप्ट ए हेरिटेज नाम की एक योजना चली थी, ये इसी साल लॉन्च हुआ था, और उसी के तहत जो है डालमिया ग्रुप ने इसको लिया था। आगे चल के कुतुब मीनार को भी ले लिया लोगों ने। आगे उत्कल दिवस, उत्कल, उत्कल मतलब उड़ीसा होता है, उत्कल दिवस जो है समारोह ये कब आयोजित किया जाता है? तो 1 अप्रैल को आयोजित किया जाता है, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल उसका जो है दिवस है उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा का, सिक्किम मिजोरम त्रिपुरा नहीं, उड़ीसा यहाँ पे राइट आंसर है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। विश्व, देखिए भारतीय पर्यटन दिवस नहीं पूछ रहा, विश्व पर्यटन दिवस, ऐसे तो आप 25 को आई थिंक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको विश्व पर्यटन दिवस पूछ रहा है, 27 सितंबर को, याद रखेगा 27 सितंबर। और सितंबर में भी एक 16 सितंबर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओजोन दिवस, ठीक है, वो भी याद रखिए। आगे देखिए, वारंगल किसके लिए फेमस है? वारंगल, तो वारंगल दरियों के लिए फेमस है दोस्तों, किसके लिए? दरियों के लिए, दरी, दरी, दरी जानते हैं ना, दरी, अरे जो बैठने वाली दरी आती हुई, दरियों के लिए फेमस है, ठीक है, कालीन के लिए नहीं, कालीन के लिए आपका जो है भदोही फेमस है, कौन? भदोही। और साड़ी के लिए दोस्तों तो स्पेशली आप सूरत फेमस है, और सूती वस्त्रों के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक का भी नाम आता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि जिस तरह से प्राचीन इतिहास का हमारा नोट्स लॉन्च हुआ है, उसी तरह से मध्यकालीन इतिहास का भी नोट्स लॉन्च हुआ है, तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करके आप लोग इस नोट्स को देख सकते हैं। इसके अलावा संपूर्ण हिंदी जो आपको पढ़ाई गई है उसके भी नोट्स आपको लॉन्च हो चुके हैं, तो जिनको ज़रूरत हो वो पढ़ लें। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, मैं आपसे देखिए हमेशा कहता हूँ कि नोट्स जो मेरा है, मैं तो ये कहूँगा नहीं कि आप परचेज मत करो, लेकिन अगर मेरा मानोगे तो मैं यही कहूँगा कि मेरे नोट्स को आप परचेज मत करो, आप नोट्स को खुद से लिखा करो। अगर आपने वीडियो देखा है, खुद से नोट्स लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अगर आपके पास समय नहीं है और आप चाहते हो कि नहीं मैं नितिन सर का ही नोट्स लेके पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, मेरे नोट्स से क्या होगा कि जैसे अपने नोट्स से अगर मैंने कोई वीडियो बनाया है, ठीक है, तो जैसे ही आप नोट्स को देखोगे ना, तुरंत मेरी सारी बातें आपको याद आने लगेंगी, ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो जो आपने लिखा वो बहुत बेहतर है, और अगर आपको लगे तो आप जो है इस नोट्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, हालांकि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होगा, और बाकी की जानकारी जो है मैं आपको कल दूंगा। तो हमारे वेबसाइट का नाम दोस्तों आप ज़रूर से याद रखिएगा, उसका नाम है www.study91, इससे तो आप लोग वाकिफ ही होंगे, study91.org, ठीक है, .org। तो यहाँ से जाकर के दोस्त आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ले सकते हैं, और जो है मिल जाएगा आपको। चलिए, तो अभी 3 ही अवेलेबल हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और हिंदी, और जैसे ही अपडेट होगा आप लोग चेक करते रहेगा, तो वहाँ पर सारे जो नोट्स होंगे वो मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।